नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। घर में घुसकर महिला से किया सामूहिक दुष्कर्म, देखेंगे विस्तार से। बढ़ते अगली खबर की तरफ। ई सिगरेट बेचने वालों की धरपकड़, 3 व्यापारियों पर मामला दर्ज, देखेंगे विस्तार से। बढ़ते अगली खबर की तरफ। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को दी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। घर में घुसकर महिला से किया सामूहिक दुष्कर्म, जी हाँ, मेरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक गांव की महिला ने रिपोर्ट लिखाई है कि 10 जनवरी को रात करीब 1 बजे अपने बरामदे में सो रही थी। 2 व्यक्ति उसके घर में घुसाए और उसे पकड़कर कमरे में ले जाकर बारी बारी में दुष्कर्म किया। जी हाँ, इसमें एक व्यक्ति के हाथ में तमंचा था। तमंचे के डर से शोर नहीं मचाया। उसके घर पर नाबालिग बच्चों के अलावा कोई दूसरा नहीं है। घर की बाउंड्री भी छोटी है। पुलिस ने मोहन और हरि सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ई सिगरेट बेचने वालों की धरपकड़, 3 व्यापारियों पर मामला दर्ज। जी हाँ, इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की मदद से युवा नशा कर रहे हैं। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने ई सिगरेट बेचने वालों की धरपकड़ शुरू कर दी है। 2 दिनों में पुलिस ने 3 व्यापारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर 2.55 लाख रुपए की ई सिगरेट जब्त की है। जी हाँ, पुलिस को जानकारी मिली थी कि बाजार में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस उपलब्ध है जिनका नशे के लिए उपयोग किया जा रहा है। NDPS सेल द्वारा सभी सिगरेट विक्रेताओं की जांच शुरू की गई है। धर्मपेट के काफी हाउस चौक पर स्थित RK ट्रेंडर्स में छापा मारा गया है। तलाशी लेने पर 1 लाख रुपए ई सिगरेट बरामद हुई। दुकान के मालक खामला निवासी ऋषभ रामेश कुमार लालवानी के खिलाफ सीताबर्डी थाने में मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद चकरदरा के टेक्सा नामक स्मोक शॉप में छापा मारा गया। वहां भी 1.22 लाख रुपए की ई सिगरेट मिली। दुकान का मालिक साईनगर डिगोरी निवासी आशीष अमृत लाल शाहू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तीसरी कार्रवाई लकड़गंज के भी श्री साई एंड कंपनी में की गई। वहां भी 30,000 रुपए की सिगरेट बरामद हुई है। पुलिस ने मुदलियार चौक शांति नगर निवासी सूरज तारा चंद देवानी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इंस्पेक्टर मनोज सिल्डर, API राहुल डोंगरे, विकास डोंडे, हेड कांस्टेबल प्रमोद धोटे, सुनील इंगली, परमेश्वर कडू, समाधान गीते, सूरज भनावत, मनोज नेवारे, नितिन सातू के, सुभाष गजबिये, सहदेव चिखले, मंगेश मापारी और अनुपम यादव ने कार्रवाई को अंजाम दिया। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को दी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। जी हां, आज मकर संक्रांति के पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, सामाजिक, धार्मिक व वैज्ञानिक रूप से अत्यंत समृद्ध ये पर्व समरस एवं स्वस्थ समाज के निर्माण का संदेश देता है। सीएम योगी ने गोरक्षनाथ को चढ़ाई खिचड़ी। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में एक गुरु गोरक्षनाथ को चढ़ाई खिचड़ी। उन्होंने नाथ संप्रदाय के रीति रिवाज से पहली खिचड़ी चढ़ाई, इसके बाद नेपाल राष्ट्र से आई खिचड़ी को उन्होंने चढ़ाया और बाद में आम जनता के लिए मंदिर के पट खोल दिए। आज मकर संक्रांति पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं दूर दूर से आकर बाबा गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।